नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश अखाड़ा में। मैं कुसनी गंगा सागर आपके साथ में, और आज का हमारा विषय है मोहन सरकार बजट उदार। जी हां, मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने बुधवार को 3,65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया है। सरकार ने बजट में सबका साथ सबका विकास की थीम का ध्यान रखा गया है, और साथ साथ मोहन सरकार के पहले बजट का आकार बीते बजट से 16% ज्यादा है। तो वहीं विपक्ष को बजट रास नहीं आया है। विपक्षी कांग्रेस ने बजट पेश करने के दौरान जमकर हंगामा किया, बजट को विश्वासघाती तक बता दिया। लेकिन बड़ा सवाल अब यह है कि सियासत से इतर आम जनता को बजट से क्या मिला, इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। उसके पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। मोहन सरकार का पहला बजट पेश। 3,65,067 करोड़ रुपए का बजट, पिछले बजट से 16% अधिक। इस बार नहीं कोई नया टैक्स, कमलनाथ बोले विश्वासघात वाला बजट। मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को कार्यवाही शुरू होते ही नरसिंह घोटाले पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने हंगामा कर दिया। इस बार बजट 3,65,067 करोड़ रुपए का है, जो पिछले बजट से 16% अधिक है। सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया। वित्त मंत्री ने विपक्ष के शोर शराबी के बीच बजट भाषण पढ़ा। हंगामे के बीच विपक्ष मंत्री विश्वास सारंग को बर्खास्त करने की मांग करते रहे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि मंगलवार को मंत्री विश्वास सारंग ने गलत जानकारी दी, इसलिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री ने भी विपक्ष के रवैये की निंदा की। ये आचरण जो आज था विपक्ष का, मुझे लगता है कि इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कि सरकार क्या बजट प्रस्तुत कर रही है, किन किन वर्गों के लिए क्या प्रावधान किए हैं, और कितना बजट हमने बढ़ाया है पिछले बजट की तुलना में, अभी कितना बजट हमारा बढ़ा है, किन किन विभागों को मिला है, किन वर्गों के लिए मिला है, क्या उसमें कमी उनको लग रही है, वो सुनते तो मुझे कहते हुए बड़ा कष्ट है कि जब वो जिस विषय को वो लेकर के हाउस में है, सदन में जब बोल रहे थे, तो उस विषय पर तो हमारे विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष नरेंद्र तोमर जी ने बहुत सद्भावना से उनको समय दिया। निश्चित रूप से जनता का बजट जनता के लिए, और आज हमने उनको ही समर्पित किया है, ये सर्वस्पर्शी बजट है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो कल हम चाह रहे थे कि सर्वदलीय बैठक हो, कमेटी बने, कमेटी जांच करे नर्सिंग कॉलेज की घोटाले की, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। गुमराह किया विश्वास सारंग ने, गलत प्रमाण दिए, उस प्रमाण को लेके आज हमारे माननीय सदस्य ने विधायक दल की तरफ से विशेष अधिकार का हनन का नोटिस दिया। उस नोटिस पर सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती, हम चाहते हैं उस पर नियम में चर्चा हो बजट को लेकर। आइए अब बजट के कुछ अहम प्रावधानों के बारे में आपको बताते हैं, जिसकी चर्चा खूब हो रही है। पुलिस महकमे में 7500 पदों पर भर्ती होगी, इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। स्कूलों में शिक्षकों के साथ ही खेल और संगीत के 11,000 पदों पर भर्तियां होंगी। अभी 268 सरकारी ITI हैं। इस साल 22 और ITI खोले जाएंगे, इनमें 5,280 सीटें बढ़ेंगी। मध्य प्रदेश में सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं की फीस कम होगी, इसके लिए नीति बनेगी। इस साल मंदसौर, नीमच और सिवनी में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे। पीएम ई बस योजना के तहत 6 शहरों में 552 ई बसें चलाई जाएंगी। ये ई बसें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर में चलेंगी। इस साल मंदसौर, नीमच और सिवनी में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे। 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए 500 करोड़ का प्रावधान, इससे उज्जैन और आसपास के 10 जिलों में विकास कार्य किए जाएंगे। राम पथ गमन के स्थानों को चिन्हित कर उनका विकास करेंगे। श्री कृष्ण पाथे योजना पर भी काम होगा।
ई विधान, ई कैबिनेट, ई विधान ऑफिस बनाए जाएंगे। ई विधायक ऑफिस योजना के तहत प्रति विधायक 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत होने पर पार्थिव देह को घर घर तक सम्मानजनक ढंग से पहुंचाने के लिए शांति वाहन सेवा शुरू की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, इससे रिटायरमेंट बाद तत्काल भुगतान हो सकेगा। उज्जैन में चना और ग्वालियर में सरसों अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। पीएम आवास योजना के लिए 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। बैगा, भारिया, सहरिया जैसी पिछड़ी जनजातियों के बच्चों के लिए 22 नए छात्रावास खोले जाएंगे। महिला स्व सहायता समूहों को बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए 800 करोड़ का प्रावधान। वहीं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 4,900 करोड़ का प्रावधान। सड़क और पुल निर्माण और संधारण के लिए बजट में 10,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान। हालांकि इस बजट पर कांग्रेस की तरफ से कई प्रतिक्रियाएं आई हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर इसे विश्वासघात करने वाला बजट बताया, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे दिवालिया सरकार का बजट बताया है। इस बजट का जो मूल सार है वो 3C का है और मैं सोचता हूँ कि लगभग 80,000 करोड़ रुपए का घाटे का बजट लाएंगे। 90,000 करोड़ रुपए इनको एक्स्ट्रा चाहिए जो केवल लाडली बहना को आपको रखना है, और करप्शन इनको कितना कहां से करना है उसका अलग बजट बनेगा जो मैं बता चुका हूं, और जो देश की जनता को, प्रदेश की जनता को आंखों में धूल झोंकेंगे वो अलग बजट बनेगा। तो ये कर्ज, क्राइम और करप्शन की सरकार है, ये लूट की छूट की सरकार है, ये घाटे के बजट लाने वाली सरकार है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ हर साल उसी बजट को रिमेप फिर से बताकर घाटे का बजट पेश करने वाली सरकार है। और उतनी बड़ी महत्व की बात है, ये बजट की जो थीम है वो थीम भी महत्व की है, विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश। और विकसित मध्य प्रदेश के पीछे जो बजट का आकार बढ़ा है उसका कारण भी है, ये बजट के पहले ही हमारी सरकार ने लक्ष्य लिया है 5 साल के अंदर किसी भी हालत में बजट को 2 गुना किया जाएगा। इसलिए 2 गुना करने के परिप्रेक्ष्य में अनुपातिक रूप से लगभग 16% के आसपास इस बजट का आकार बढ़ा है, और क्रमशः हर साल बढ़ते बढ़ते, लेकिन इस बजट में कोई कर किसी प्रकार का नहीं बढ़ाया गया है। उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर हमारी आय और व्यय की सीमाओं को फैलाते हुए इसी के अंदर सबको समाविष्ट करने का प्रयास किया है। इस बजट को विपक्ष चुनावी वादों से जोड़कर देख रहा है, जबकि सरकार ने संतुलन के साथ सभी वर्गों का ध्यान रखा है। वैसे भी ये बजट पिछले बजट से 16% ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। तो मोहन, सरकार का बजट उदार, जी हां, सभी को बैलेंस करने की कोशिश हुई है, लेकिन कितनी बैलेंस करने की कोशिश में वो कामयाब हो पाए हैं इसी पर हम बात करने वाले हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा दें। राम दांगोरे जी, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर राम पांडे जी, प्रवक्ता कांग्रेस, साथ ही साथ सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में करना चाहता हूं डॉक्टर राम पांडे आपसे ही। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कहते हैं कि ये जो बजट है ये दिवालिया सरकार का बजट है। इधर पूर्व पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि विश्वासघात करने वाला बजट है। तो ये बजट कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है, कहां पर विश्वासघात हुआ है और कहां पर लग रहा है कि दिवालिया वाला बजट है, दिवालिया वाली सरकार का बजट है? जी, जब कमाई से ज्यादा कर्जा हो जाता है तो उसे दिवालिया ही कहते हैं। अब साल की कमाई सरकार की है 3,65,000 करोड़ और जो कर्जा है 3,71,000 करोड़ रुपए। 45,000 करोड़ तो ब्याज में ही चला जाता है हर साल, तो जो भी बजट है उसमें 45,000 करोड़ तो आप सीधे सीधे से उसमें कम कर सकते हैं। आधा भारतीय जनता पार्टी के नेता खा जाते हैं पैसा, तो आधा वो कम हो जाएगा। ठीक है, जनता के टैक्स का पैसा है, उसका सदुपयोग होना चाहिए। ये कह रहे हैं 16% ज्यादा इस बार का बजट है, महंगाई तो दुगनी कर दी और बजट केवल 16% ही ज्यादा हो पाया है। यदि कोई वस्तु 1,000 रुपए की है और उस पर 28% टैक्स है
तो 280 रुपए सरकार को मिलता है, और यही वही वस्तु यदि 2000 की हो जाती है तो सरकार को 560 रुपए मिलते हैं। इस हिसाब से तो सरकार का बजट 16% ज्यादा नहीं, डबल होना चाहिए था। तो महंगाई तो सरकार ने इतनी बढ़ा दी है। वही कमलनाथ जी ने जो कहा है कि विश्वासघात किया है, ये तो सरासर दिख रहा है। 6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के हर नेता, यहां तक कि विश्वगुरु भी मध्य प्रदेश में बोल कर गए थे कि लाडली महिलाओं को 3000 रुपये मिलेगा। 6 महीना हो गया है, 3000 हमारी लाडली महिलाओं को नहीं मिल रहा है। किसानों को बोला गया था कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल में धान खरीदी जाएगी, किसानों के साथ विश्वासघात किया गया, उनको धोखा दिया गया, उनकी धान बिक चुकी लेकिन 3100 रुपये प्रति क्विंटल में नहीं खरीदी, 1000 रुपये प्रति क्विंटल कम में उनकी धान बिकी है। गेहूं को बोला गया था कि 2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीदेंगे, यहां भी किसानों के साथ धोखा दिया गया, विश्वासघात किया गया। मध्य प्रदेश की जनता से कहा गया कि 450 में गैस का सिलेंडर दिया जाएगा, आज सिलेंडर 1000 रुपये में मिल रहा है, यहां भी विश्वासघात किया गया। अभी ये बजट में मैं सुन रहा था कि मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, अरे भिंड मुरैना जैसी जगह कई जगह मेडिकल कॉलेज के भारतीय जनता पार्टी पहले ही शिलान्यास कर चुकी है, क्योंकि मैं ग्वालियर चंबल से हूं तो भिंड मुरैना में अभी जमीन कहीं नहीं पता है, साल भर पहले शिलान्यास हो गया है कि मेडिकल कॉलेज बनेगा कहां, एक ईंट नहीं लगी है, अभी तक कोई प्लान नहीं बना है, बस मेडिकल कॉलेज बनेगा, ये होगा सीएम राज स्कूल। जितने सरकारी स्कूल थे उसी में से कुछ स्कूल का नाम सीएम राज स्कूल लग दिया, मतलब नाम बदल दिया। आपको कुछ अलग करना था तो अलग प्रोजेक्ट लेकर आना था, अलग काम करना था। आप कह रहे हैं स्वास्थ्य में इतना पैसा लगा दिया, आज सरकारी अस्पताल में आदमी मजबूरी में इलाज कराने जाता है, प्राइवेट में जाता है। चलिए जवाब ले लेते हैं, वापस आऊंगा बिंदुवार हम बात करेंगे आगे भी, लेकिन डॉक्टर राम दांगोरे जी आपसे सवाल यही है कि विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश की बात होती है, ऐसे में सबके साथ सबको लेके चलने की जो बात है उस पर क्या आप, जैसे कि राम पांडे जी कह रहे खरे नहीं उतर पा रहे क्योंकि जो चुनावी वादे थे उसको लेकर जिक्र नहीं हुआ है, चाहे वो लाडली बहना के खाते में 3000 रुपये आने की बात हो, किसानों के खातों में 3100 रुपये आने की बात हो, या फिर 450 रुपये का सिलेंडर, इन योजनाओं के ऊपर क्यों नहीं ध्यान दिया गया? वित्तीय प्रबंधन क्या इस तरह का हो चुका है कि सिर्फ हम कर्ज ही पटा रहे हैं? मैं डॉक्टर राम पांडे जी का बहुत सम्मान करता हूं, इन्होंने कहा सीएम राइज स्कूल पुराने भवनों में चल रही है। डॉक्टर साहब अगर आपको दिखाई नहीं देता तो आप मेरे क्षेत्र में आई है, मैं आपको बताता हूं कि भवन भी बन चुके हैं और बच्चे, गरीब बच्चे बसों से स्कूल जाना चालू हो चुके हैं, लेकिन इनको दिखेगा नहीं क्योंकि कभी भी अपने विपक्ष की सरकार में कभी इनको अच्छा कुछ दिखाई नहीं। मैं बताना चाहता हूं कि 11 गुना प्रति व्यक्ति आय बड़ी है। सिंहस्थ के लिए उज्जैन के आसपास 8 लेन और 4 लेन की सड़कें बन रही हैं, लेकिन ये कभी उसको अच्छा नहीं बताएंगे। आदिवासियों के लिए 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट पास हुआ है, लेकिन ये हमेशा आदिवासियों को बेचारा और मजबूर ही बताते हैं, जबकि देश की आजादी के बाद में इनकी सरकारें रही है, इतने समय के बाद में भी इन्होंने कभी इतना बजट नहीं दिया होगा। गोवंश के लिए 3 गुना बजट में हमने वृद्धि करी है, स्वास्थ्य के लिए 34% वृद्धि करी है, महिला विकास के लिए तो और बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 2,30,00,000 लोग बीपीएल कार्ड से ऊपर आ चुके हैं, ये मैं कोई मन से नहीं बोल रहा हूं, ये ऑथेंटिक आंकड़ा है। ये राम पांडे जी को अगर तकलीफ हो तो आरटीआई लगा करके उसका डाटा निकाल करके देख ले। इसके अलावा भी और कई सारी चीजों में हमारा बजट बढ़ा है, जैसे पीएम आवास योजना के लिए 4,000 करोड़ रुपए हमने बढ़ा है, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान और हो गया, लाडली लक्ष्मी लाडली बहना के लिए 26,500 करोड़ रुपए का बजट हमने दिया है, कन्या विवाह के लिए 250 करोड़ रुपए का बजट दिया, यहाँ तक कि दिव्यांग भाइयों के लिए भी 450 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान है। अगर मैं बोलता रहूंगा तो डिबेट का समय निकल जाएगा,
मैं कांग्रेसियों से ये पूछना चाहता हूं कि इनको आखिर अच्छी चीज कौन सी लगी बीजेपी में, ये हमको कभी तो बता दे कि ये काम बीजेपी वालों ने अच्छा करा, जबकि लगातार सरकार हमारी बन रही है, सरकार हमको फुल मैंडेट दे रही है और इनके साथ तो भगवान भी नहीं है, इनकी बनी बनाई सरकार तक गिर गई। ये आपस में ही इनका सामंजस्य नहीं बनता है और ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, विधानसभा नहीं चलने देना। राम दांगुली जी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। राम दांगुली जी, मैंने पूछा था जो चुनावी वादे आपने किए थे उस पर भी क्या कोई आप लोगों ने कुछ प्रावधान किया है, क्या क्या उस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं? और जो कर्ज जो मध्य प्रदेश पर लगातार बढ़ता जा रहा है, 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है, उसको कहां से आप रिकवर करने जा रहे हैं, उसके लिए किसके ऊपर दबाव आने वाला है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, इनकी 15 महीने सरकार रही है, ये हर महीने 2000 करोड़ रुपए का बजट लेते थे, इनसे पूछ लीजिए, झूठ नहीं बोल सकते, ऑन रिकॉर्ड है। कोई भी सरकार अगर उसको राज्य चलाने में अगर किसी प्रकार की आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो प्रावधान है उसमें लोन लेने का, ऋण लेने का प्रावधान है। हम कोई अलग से कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर की बैंकों से कुछ गिरवी रख करके पैसा नहीं ले रहे हैं। जो प्रावधान है, जो नियम है, और वो एक रेशो होता है कि इसी रेशो के अंतर्गत इतना आपकी विकास दर है तो ही आप लोन ले सकते हो, नहीं तो इतना लोन कोई कैसे किसी को दे सकता है? कहीं ना कहीं से आवक होगी, उसकी भरपाई करने की स्थिति में होंगे तभी लोन दे रहे हैं हमको, तो हम भरने की स्थिति में है। और कांग्रेस सरकार ने भी लोन लिया है, भाजपा भी लोन ले रही है, और दूसरी बात, एक आम आदमी भी परिवार संचालन के लिए लोन लेता तभी तो बैंकों की व्यवस्था है। अगर हम गलत करते हैं तो सवाल ये कि उसकी रिकवरी कहां से होगी। वापस आऊंगा मैं आपके पास, लेकिन सुरेश शर्मा जी इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास जाना चाहता हूं। सुरेश जी, इस पूरे बजट को आप कैसे देखते हैं, कितना जनता के लिए ये बजट लोक लुभावन है, जनता के काम का है, कितनी इसमें राजनीति हो रही है, और धरातल पर क्या वाकई में इस बजट का एक मजबूत असर होता हुआ दिखाई देगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बजट में पिछले साल के बजट की तुलना में 16% की बढ़ोतरी है, और ये राशि की बढ़ोतरी है। और दूसरा, सरकार का ये लक्ष्य है कि आने वाले 5 साल में बजट की राशि को दोगुना कर दिया जाएगा, यानी दोगुना कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि राजस्व प्राप्तियां ज्यादा करनी पड़ेंगी, आपको केंद्र से अनुदान ज्यादा लेना पड़ेगा, केंद्रीय करों का हिस्सा जो है वो भी आपको बड़ी मात्रा में लेना पड़ेगा, तब जाकर के आपके बजट की स्थिति दोगुना की स्थिति में जाएगी। 16% यदि आपने बढ़ाया है तो ये केवल आंकड़ेबाजी नहीं हो सकती, इसके लिए आपको आउटपुट भी दिखाना पड़ेगा। एक बात बिल्कुल सत्य है जिसको कोई स्वीकार कर नहीं पा रहा है, विपक्ष जरूर आरोप लगा रहा है कि जो व्यवस्थाएं लाडली बहना योजना के आड़ में जो खर्चे बढ़ गए हैं उनको मीट आउट करने के लिए आपको कहां से टैक्सेशन, कहां से अनुदान या कहां से जो है कर की राशि में वृद्धि कराने के लिए आपको प्रावधान करना पड़ेंगे। मैंने देखा अभी कि जो है 2023 के लिए 23 लिखा है उसमें, हालांकि वो 24 होना चाहिए, 19,884 करोड़ रुपया की व्यवस्था लाडली बहनों के लिए बजट में की गई है। यदि बजट के अंदर आवंटन किया गया है तो बाद में अनुपूरक के माध्यम से या अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से राशि बढ़ सकती है, इसलिए ये उम्मीद की जा सकती है कि लाडली बहनों को जो राशि मिल रही थी वो निरंतर रहेगी, लेकिन कितनी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसका संशय निश्चित रूप से रहेगा। वो इतना तय माना जा सकता है कि 1250 रुपया का प्रावधान जो है वो किया गया है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देख लीजिए, निश्चित रूप से बजट में प्रावधान किए गए हैं। अब जो है जो नदी जोड़ो योजना है उसके अंदर आप 48,000 हेक्टर भूमि की सिंचाई का साधन बढ़ा रहे हैं, मतलब कृषक समृद्धि की बात की जा रही है। किसानों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, आदिवासियों के बजट का अतुल्य किसी मित्र ने किया था, तो ये सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिससे मध्य प्रदेश के विकास के लिए रास्ते खुलते हैं। विपक्ष के लिए निश्चित रूप से वही बातें कहना चाहिए जो वो आलोचना के लिए ले सकता है, और बिल्कुल क्योंकि उसका काम यही है, वो सरकार को आईना दिखाने का काम करता है। लेकिन एक बात जरूर मानने की है कि मध्य प्रदेश में अब बीमारू राज्य से बाहर निकल करके विकास के रास्ते पर चलने की क्षमता पैदा हो गई है, और इसको सभी राजनीतिक दलों को प्रोत्साहन देना चाहिए। क्या सलाह की जा सकती है, कैसे रास्ते बनाए जा सकते हैं, क्योंकि भ्रमियां निकाल करके हम रास्ते में बाधा डालें ऐसा मुझे नहीं लगता किसी का भी उद्देश्य होगा। लेकिन इस बजट के माध्यम से ये अपेक्षाएं जरूर बन रही हैं कि जो धीरे धीरे व्यवस्थाएं हैं, हाँ एक चीज जरूर मैं कहूंगा, और ये निश्चित रूप से कहीं कहीं हमें चिंता करने की बात है कि जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में हम क्रियान्वयन के मामले, क्योंकि राजनेता आपस में लड़ रहे हैं, अधिकारियों पर दोनों पार्टियों का ध्यान नहीं,
यदि अधिकारी वर्ग की तरफ हम ध्यान देंगे तब एग्जीक्यूशन के बारे में हमें सही पता चलेगा। आज यदि किसी भी डिपार्टमेंट की कमी होती है तो हम सीधे मंत्री को पकड़ते हैं, जबकि यह है कि अधिकारी वर्ग को हम फ्री छोड़ देते हैं। दूसरी बात जो है, निश्चित रूप से मेरी जो गंभीर चिंता है जिसको मैं समय समय पर प्रकट करता हूँ, विधानसभा सत्र का समय घटना अधिकारियों के लिए छूट देने के बराबर होता है। राजनेता तो आपस में बाहर प्लेटफॉर्म पर भी अपनी आलोचना प्रति आलोचना करते रहते हैं, लेकिन विधानसभा ही ऐसा पटल है जिसके अंदर अधिकारी वर्ग से सवाल जवाब मांगे जाते हैं, खुद जो माननीय विधायक है वो ऐसा करके उनको काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो कम समय सदन में मिल रहा है, सवाल जवाब नहीं होते, इससे अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को मुक्त मान रहा है और ये कहीं कहीं आने वाले समय में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए नुकसानदायक। बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि अधिकारियों के जरिए ही एग्जीक्यूशन होता है, और ऐसे में अगर वही बात ना माने तो फिर कैसे काम चलेगा। लेकिन इसके इतर जैसे कि यहाँ पर सुरेश जी कह भी रहे थे कि कैसे बजट को और बेहतर कर सकते थे, क्या अच्छा हो सकता था, इस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर राम पांडे, ये जो पूरा बजट है, राजनीति से ऊपर उठकर क्या आपको लगता नहीं कि जो बातें हो रही है, चाहे 22 IIT खोले जाने की बात हो या फिर सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षाओं में फीस कम करने की बात हो, ई बस चलाने की बात हो, 0% ब्याज पर किसानों को लोन देने की बात हो, या फिर 4,900 करोड़ का प्रावधान किसान कल्याण योजना के लिए किया जाए, ये जो चीज़ें हुई है क्या इसको आप सही नहीं मानते या ये अच्छे अच्छे कदम के तौर पर इसको नहीं देखते हैं? कदम तो अच्छे हैं लेकिन पूरे किए जाएं। ये सारे कदम पिछले साल भी उठाए गए थे, उसके पहले भी ये सारे कदम उठाए तो गए बतौर आप विपक्ष आप क्रॉस चेक कीजिए ना, उनको बार बार आप याद दिलाइए कि ये आपने बोला था आपने किया नहीं है। रोज याद दिलाते हैं लेकिन अब कोई बहरा हो तो कैसे सुनाई देगा, अब उसको कान तो अपने ठीक रखना पड़ेंगे ना, तभी तो सुनाई देगा। हम रोज याद दिलाते हैं, इन्होंने 3 साल पहले अटल एक्सप्रेस वे का शिलान्यास कर दिया था, पता ही नहीं है उसका प्लान का ही नहीं पता है, जमीन अधिग्रहित तक नहीं की है, एक ईंट तक नहीं रखी है, और अभी कल परसों अखबार में खबर आ गई कि ये परियोजना आगे नहीं बढ़ सकती, सरकार पे पैसा नहीं है। ये मध्य प्रदेश के या भारत के सबसे बड़े चलने वाले अखबार की खबर है कि अटल एक्सप्रेस वे जो योजना है वो नहीं बढ़ पाएगी, और ये नदी लिंक योजना तो भारतीय जनता पार्टी का एक डायलॉग जैसा बन गया है। ये हर साल हर महीने भाषणबाजी हो कहीं भी हो, नदियों को लिंक करेंगे, नदियों को लिंक करेंगे, अटल जी के समय से ये चिल्ला रहे हैं, आज तक एक नदी लिंक नहीं हुई है। कमलनाथ जी ने इंदौर भोपाल में मेट्रो शुरू करा दी थी और उस मेट्रो को इन्होंने आज से 8 महीने पहले मेट्रो का उद्घाटन कर दिया। आप बताइए कितना जनता को इन्होंने मूर्ख बनाया, भोपाल मेट्रो का प्रोटोटाइप मॉडल का इन्होंने 8 महीने पहले ही उद्घाटन कर दिया कि अब मेट्रो चलेगी, मतलब 8 महीने में डांगोरी जा रहा हूं आपके पास, डांगोरी जा रहा हूं। तो हर जगह जनता को धोखा देने का काम किया, आपको याद होगा 8 महीने पहले है कि इन्होंने एक योजना शुरू की थी सीखो कमाओ, मध्य प्रदेश में होर्डिंग बोर्डिंग लगा दिए, आप बताइए वो सीखो कमाओ योजना वालों को चुनाव के पहले उनको पैसा दे दिया गया, जिस दिन से चुनाव खत्म हुए हैं बेचारे ट्रेनिंग ले रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन उनको कोई स्टाइफंड नहीं मिल रहा है 6 महीने से। चलिए जवाब देते हैं राम दांगुरी जी, योजनाएं सुनने में तो बड़ी अच्छी लग रही, लेकिन डॉक्टर राम पांडे तो सीधे आरोप लगा रहे कि ये सिर्फ कहते हैं, कथनी और करनी में अंतर है, उदाहरण भी दे दिए उन्होंने, क्या जवाब देंगे? ये मेरे कांग्रेसी मित्र, इनके लिए एक मुहावरा याद आ रहा है मुझे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा सयानी बिल्ली खंबा लोचे। ये भोपाल मेट्रो के ऊपर आपत्ति ले रहे हैं, आप भी भोपाल में ही रहते हैं क्या? भोपाल में तो आप मुझे बोलने दीजिए, डॉक्टर राम पांडे आपको मैंने पर्याप्त वक्त दिया है, भोपाल मेट्रो में डॉक्टर राम पांडे मैंने आपको पर्याप्त वक्त दिया है, आंखें बंद करके भोपाल में डॉक्टर राम पांडे मैंने आपको पर्याप्त वक्त दिया है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी विपक्ष का सम्मान करें, उनको बोलने का मौका दें। जी अपनी बात रखें। ये कहते हैं कि नदियों को लिंक कहाँ किया, अरे जरा आंखें खुली करके मेरे साथ में नर्मदा शिप्रा लिंक देखिए, मैं आपका हाथ पकड़ करके ले चलूंगा। अरे कांग्रेसियों तुम हमें क्या सिखा रहे हो, बीमारू राज्यों को हमने
बीमारू राज्य को हमने इतनी ऊपर लेकर क्या है चलिए दोनों को रुकूंगा मैं दोनों को रुकूंगा सुरेश शर्मा जी मैं आपसे समझना चाहता हूँ ये जो वादे होते हैं ये बड़े अच्छे लगते हैं सुनने में कि हमारे लिए सरकार ये करने जा रही है वो करने जा रही है लेकिन धरातल पर क्या वाकई में इसको डिलीवर कर पाती है सरकार या सिर्फ ये कागजों तक सीमित रह जाते हैं जी सुरेश जी चलिए सुरेश जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही लेकिन डॉक्टर राम पांडे से प्रतिक्रिया ले चुका हूं मैं राम दांगोरी जी आपसे मैं समझना चाहता हूं ये जो वादे हैं ये कब तक पूरे होंगे किस तरह से पूरे होंगे और ये जो चुनावी वादे आपने किए थे क्या उस दिशा में भी आप आगे बढ़ेंगे ताकि आपकी जो विश्वसनीयता है वो बरकरार रहे देखिए मैं आपको सबूत देता हूं एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूं तो फिर हिंदू हिंदू करने लग जाएंगे राम मंदिर का मुद्दा कोई आज का नहीं है एग्जाम्पल दे रहा हूं कई मध्य प्रदेश के मुद्दे पे आइए ना चलिए चलिए विषय जो था उसकी गंभीरता को आप दोनों ही नहीं समझना चाह रहे दोनों ही भटकाना चाह रहे हैं लेकिन हमारे पास समय इतना ही था रुकना होगा हमें बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए राम पांडे जी डॉक्टर राम पांडे राम दांगोरे सुरेश शर्मा जी आप तीनों का बहुत शुक्रिया तो मोहन सरकार ने बजट पेश कर दिया है 16% ज्यादा का इस बार बजट है कई लोक लुभावन वादे हैं और सभी के लिए बहुत कुछ इस बजट में दिखाई दे रहा है लेकिन दिखना और करना जमीन पर उसको क्रियान्वित करना दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है लेकिन ये अंतर तभी पूरी तरीके से समाप्त होगा जब जनता भी इसको पूरी तरीके से अपनी नजरों के सामने रखेगी और समय समय पर वो भी अपने जनप्रतिनिधियों से पूछेगी कि आपने जो वादा किया था उस वादे का क्या हुआ है तभी जाकर राजनेताओं पर एक दबाव बनेगा और सही मायने में हमारे प्रदेश का विकास हो पाएगा इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही ताजा खबरों के लिए अपडेट्स के लिए बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।